युवा सांसद भाई दुष्यंत चौटाला जी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जी और खासतौर पर जो परिचुनाव को देख रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मैं डॉक्टर साहब को भरोसा दिलाता हूं अपने गांव से और क्षेत्र से कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है हल्का अध्यक्ष के रूप में उसको बखूबी निभाऊंगा और अधिक से अधिक मतों से इस क्षेत्र से विजय बनाने का काम हम स्वाति यादव जी को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में भाई रमेश कोठारे जी वाइस चेयरमैन शिवानी बीजेपी छोड़कर के पूरे परिवार समेत पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। वह साथ में संत लाल धाण की नीलो छोड़ करके जेजेपी में शामिल हो रहे हैं, राम सिंह नायक की नीलो छोड़ करके जेजेपी में शामिल हो रहे हैं, मांगेराम हरिजन परिवार सहित, सतवीर नायक परिवार सहित पार्टी छोड़ पार्टी छोड़ करके जेजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी यहाँ हम स्वागत करते हैं पार्टी में। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के अध्यक्ष भाई विजय सिंह गोड़ा जी से, वो आए और अपने विचार रखे। भाई विजय सिंह गोड़ा जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे भिवानी जिले के हर दिन लजीज नेता आप देख रहे हैं। गांव बड़ुआ रामलीला ग्राउंड से सीधा प्रसारण आज यहां पर पहुंचे हैं जननायक जनता पार्टी के श्री अजय सिंह चौटाला जी, जो कि स्वाति यादव के समर्थन में यहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। अभी यहां हमारे बीच पहुंचे हैं अजय सिंह चौटाला जी, जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि सीधा प्रसारण आप तक CNFC न्यूज़ माध्यम से किया जा रहा है और गाँव बड़ुआ जो कि उपमंडल का सबसे बड़ा गाँव रहा है और उस गांव में आज यहां इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारी संख्या में तादाद में यहां पर लोग उपस्थित हैं। उन्होंने ऐसे समय में पार्टी ज्वाइन करके हमारा साथ और सहयोग देने का संकल्प लिया, उनका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी सारी बातें विस्तार से भाई साहब आपको बताएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से, वो आए और अपने विचार रखे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, एक बार जोरदार नारे लगाएं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, बहन स्वाति यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग बड़वा गांव की इस पावन पवित्र धरा पर मेरे समक्ष बैठे जन नायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोग, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्ज्वल भविष्य अधीन बच्चों, पत्रकार एवं चाहकार बंधुओं और मंच पर मेरे साथ बैठे दोनों तरफ खड़े दोनों राजनीतिक दलों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथीगण, किस किस का नाम ले सारे मेरे हृदय मोती जवाहरात साथ, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आने वाली 12 तारीख को होने जा रहे संसदीय चुनाव के लिए आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ।
ये वोट का अधिकार हमें किन परिस्थितियों में मिला, कितनी इसके लिए यातनाएं सही। कहते थे अंग्रेज का जमाना था, सत्ता करता था, बुजुर्गों ने भी अपने बुजुर्गों से सुनी होगी, हमें भी चौधरी देवी राम बताते थे कि भैया शरीर की खाल भी जो है ना, ये भी दोबारा आई हुई है, एक बार तो अंग्रेज ने उतार ली। इन परिस्थितियों के बाद उन लोगों की यातनाओं और जो जुलम उन्होंने सहे, उनकी बदौलत हमें ये वोट का अधिकार मिला। उसके बाद लगातार 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद हो गया और आजादी के बाद 1947 से लेकर के 77 तक एक परिवार का राज रहा, एक पार्टी की हुकूमत इसको इसलिए रही। बीच में एक पीरियड आया एमरजेंसी का, वो एमरजेंसी वाला पीरियड वहां पर भी उसके भुगत भोगी हो, बहुत सारे नए तौर तो शायद स्वयं पैदा ना हुए हों, तो सामने बैठे सारों को पता है कि किस तरह का थे। हमारे नेता तो सारे जेलों में थे, और हम जैसे जो लोग बाहर बचे हुए थे उनकी हालत ये थी कि तो शिवानी थाने का, तो हिसार थाने का थानेदार बहुत बड़ी चीज होती थी, सिपाही भी काफी बंदी वाला दिख जाता था, तो बाज गए कि दीवार की ओर लेता और खेत में जो टक्कर जानते हो कि आगरे की ओर में लुटता, आई बात है नहीं। और जो कोई सरकार आई जीत दिख जानती जब तो तीतरा भी खेल हो जानता हिरन ना उस दौर खेल दौड़ता जो तो निष्पन्न नहीं करना और कहा गया ये हालात आ हालात ने बाद एक परिवर्तन हो। एक पार्टी में भी लोग कह कर ताकत है वो यूनिट है वो रो लो मानुमती लो कमजोर हो जब ना तो पार्टी का ना जिंदो हो ना बंदो हो ना निशान हो और ना ही कोई खर्च करना पीछो सारे लोग नीयत थी हिम्मत कर गए 31 दिन में डंडो डंडो निशान पिंशो सोई की कर दियो अर्ज का लोग जेल माया बसी था कोई तो देश को प्रधानमंत्री बनो कोई गृह मंत्री बनो कोई मुख्यमंत्री बनो कोई मंत्री बनो कोई एमएलए बनो कोई सांसद बुजुर्गो नौजवान दोस्तों ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वोट का अधिकार बड़ा कष्ट सह करके मिलता है और वो चुनाव जब है कोई आम चुनाव नहीं। तीन बात भी आगाह कर रहा हूँ कि चुनाव में वोट गिनती का बहुत सोच समझ के चिंतन मनन करके निर्णय करके रात में सोने पहला 2 मिनट पहला सोच के विचार करके अगर कोई उपचुक होगी तो फिर भूल जाइए थाना कभी दोबारा ईवीएम को बटन दबाने का मौका मिलेगा मन की मन में रह जाएगी कि पर्चियों की वोट को लेकर है। तो थोड़ा दिन पहला जिया चाइना ना फैसला करो है ना कि जब तक जिए वो सी रहे फैसलो और मोदी कर दे वो जब तक जिए वो मोदी रहे। आज देश में दो ही लोगों की हुकूमत है कोई
ये कर गया हूँ, कंडो छुटाना बहुत जरूरी है। राम में लक्ष्यदार भाषण देने वाले लोग तो बहुत आस और बहुत पहले भी आया, बड़ा बड़ा सा बजबाग दिखाया, बड़ी बड़ी बात करी। पिछले चुनाव में थारे भी इसमें गरीब बात में जनता विदेशा उठाड़ो धनकाशा और गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा। घरे 5 मेंबर आ तो गरीब खड़े हो गए, डाक हजार तो बोले मार्ग 75 आ से निबन जी आई गए। बात तो नौजवाना ने भी कहता बेरोजगारी जनपुर समाप्त कर देना, 2 करोड़ सालाना रोजगार देशा। ये भी नारा लगाता हर हर मोदी घर घर मोदी मोदी पर मोदी लाइनो टाउन के पिछले से दिना एक वोट नहीं हो एक वोट तो नाटक सब करो जिंदा चुनाव बने से कहता मैं तीन ग्रुप में लगा दिया। पहला तो कहता फोर्थ क्लास लागू हो रहा है कपड़ा सी लाग गयो चौकीदार लाग गयो अमर नाम बदल दियो बिनो नाम रख दियो तीन गुरु पढ़िया लिखा PhD MA MPhil अब डी ग्रुप में ला गए तो SS भर्ती हो गयो और 3 स्थान और थानेदार लाग गयो। बात तो किसानों भी कही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना हरियाणा तो पूरी कर देगा। अभी ताजा ही कच्चा मार गया हूँ अक्सर से पेंडो मसाइन चुके हैं कितनी काम दिन दौड़ी हुई है तेरे मेरे दादा जानो। हाँ माँ बहना ने भी कहता मैंने पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देवांगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दिए। आज सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी की है तो माँ बहन बेटी। आए दिन अखबार की सुर्खियां पढ़ा अपहरण बलात्कार लूटपाट डकैती आंजनी राजनी मर्डर जिरोती बेक एनकाउंटर और 4-4 साल की बच्चों के साथ क्रूरता से देख करके मार दिया। ये हालात कानून व्यवस्था व्यापारी और कर्मचारी को भी बड़े समझदार दिखाए थे पर GST और नोटबंदी के नाम पर उनको भी छनने का काम। ये थोड़े में रोले होते कभी पूरी मुर्गे रोले दो ऐसा बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों एक बात और कहता राम मंदिर बनावागा आपा भी राम का उपासक हाँ आपा ने भी बात सुनती 20 साल पहले आडवाणी जी जो लागे बेचारो कभी पढ़े होते राम को मंदिर एक स्टैचू तो पढ़े पढ़े है गुजरात में है वल्लभ भाई पटेल। अगर वो स्टैचू खड़े कर सको तो राम मंदिर क्यों कौन बना सको हाथ पकड़ो कभी और राम मंदिर बनाने की नीयत करनी तो तू राज मंदिर है वोट देने की बात कर चौधरी देवीलाल हमें संसद नकल तारे चोरों आजकल
आपसे छोटा मोटा मन मुटाव बिना शिकवा शिकायत दूर करके जात पात धर्म और मजहब के बच्चों को उठ गए। 37 बिरादरी का लोग एक जिंदगी नीचे इकट्ठा हुए आने वाली 12 तारीख जब जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार है पचहत्तर के जोड़े के निशान पर और जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है बड़े झाड़ू के निशान पर वोट लगवाने को काम कर पिछले दिन जननायक जनता पार्टी की स्थापना जींद में करी बट 12 सूत्री घोषणा पत्र जारी हो गए। आप लोगों को घोषणा पत्र भी वही है, संकल्प पत्र भी वही है, शपथ पत्र भी वही है, देवदान पत्र भी वही है। सारी जैडी ताकत हो सी एक कलम भी लागू कर वो काम कर सके। विपरीत परिस्थितियां में हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी हाँ साहब केंद्र की सरकार कर रखी है बात हमें ज्ञान है। हर काम में केंद्र की सरकार ने अड़चन रखा, इनके बावजूद भी
केजरीवाल चार चीजें बिजली पानी शिक्षा और चिकित्सा जो बुनियादी चीज हर आदमी की जरूरत है वो जो उन्होंने मुहैया करवाई है इस देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके लिए रिसर्च चल रहा है कि इस आदमी ने विपरीत परिस्थितियों में इन चीजों को कैसे किया और सारी जेडी ताकत उसी को पहल कोर्ट में भी दाखिल करा बताई गुजारिश और विनती के कारण करना आया गर्मी गैर काम के मौसम में थे लोग आया मेरी बात सुनी असायदे ने जो मान सम्मान जो प्यार दियो प्यार बड़ा खुश भेंट कर सम्मान सूचक पगड़ी दी मेरी ठारो जिंदगी आभारी हूँ धन्यवाद आज मेरे सामने रमेश कोठारी जी वाइस चेयरमैन बीजेपी छोड़ के जगह जननायक जनता पार्टी में शामिल हुआ है आगे स्वागत है अभिनंदन है अभिवादन है और पार्टी मांगी सेवा हम योग्यता अनुरूप ले लो काम कर और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद यू माइक से तिलगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कुलदीप ने दे कर दे नमस्कार लोकसभा चुनाव में आप मानते हैं कि विधानसभा चुनाव की तस्वीर से कष्ट लोकल जो विधायक है क्या उनसे भी कोई संपर्क किया जा रहा है वापसी जज्बा मिलाने के लिए कोई संपर्क नहीं पहले भी वहाँ जाके वोट मांगते रहे अभी मांगे आपकी पार्टी की सत्ता में आती है तो क्या उनके खिलाफ धर्म वक्त किया जाएंगे सिंह के लिए सकता कानून की दृष्टि किया जा सकता है मेरे कहने से थैंक यू सर कुलदीप जो पकड़े हेलो के ठीक है मैं ठीक है
मैं चले जाऊँ फिर चलो जाओ वाई फाई तोड़ा है छोड़ता ही मैं कड़ा है गाड़ी लिया मोटरसाइकिल लागे चढ़ लिए जाओ मैं चलो जी चलो और कड़ा सब ठीक है चढ़ा लो और ठीक सो गए चलो भाई चलो और कड़ा सब क्या था कड़ा दो से है बेटे जो ठीक है जी कमजोर हो रहा है गर्मी मार दी भाई ये बनाया मुद्दा लगे मारो दो दिन लगे हो जाए ठीक बात निकले पास 2000 सीट आ जाए ठीक हो जाए ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ